हेलो दोस्तों, चूंकि अपना झारखंड जो है वो अनुसूचित क्षेत्र फिफ्थ शेड्यूल में आता है, तो इंटरव्यू में और ऐसे भी आपको जानना जरूरी है कि अनुसूचित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और ये क्यों बनाया गया। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड एरिया एंड व्हाई इट वॉज क्रिएटेड। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो जनजाति लोग होते हैं, वो मेन स्ट्रीम से काफ़ी बैकवर्ड होते हैं, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो, इनकम का मैटर हो, या एजुकेशन का मैटर हो। साथ ही साथ उनकी जो है अपनी अलग संस्कृति और सभ्यता है, तो उसको भी बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है हर एक कम्युनिटी को अपना जो कल्चर है और अपना जो ट्रेडिशन है उसको बचाने का हक देता है। तो इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण किया गया। और अनुसूचित क्षेत्र जो है कौन डिक्लेयर करता है, ये पावर राष्ट्रपति के पास है, और कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होना चाहिए, या ब्लॉक होना चाहिए, या तो सब डिवीजन होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे कि झारखंड में 13 जिलों में तो पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर है, लेकिन जो 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और गोड्डा, वहाँ पे कुछ ही ब्लॉक्स हैं जहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया डिक्लेयर है। तीसरा कंडीशन है कि उसका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, आर्थिक रूप पे उसका पिछड़ापन होना चाहिए, तब उस एरिया को राष्ट्रपति साहब जो है वो अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल नियम कानून लगता है, जैसे कि जो पंचायती सिस्टम है वहाँ पे लागू नहीं होता है। वहाँ पे अलग से पेशा कानून चलता है, जिसमें कि जो जनजातीय स्वशासन व्यवस्था है उसका ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ गवर्नर को स्पेशल पावर होता है अनुसूचित क्षेत्र में है। फिर अगला सवाल आपका बन सकता है कि झारखंड में कितने जिले जो हैं फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। तो झारखंड में 13 जिले पूरी तरह से और 3 जिले जो हैं वो पार्शली जो है आते हैं शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, आपका पूरा का पूरा ये छोटा नागपुर का जो इलाका है, दक्षिण छोटा नागपुर का, ये आता है गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा, ये 5 जिला यहाँ हो गया। यहाँ का 3 जिला हो गया, कोल्हान का, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, 5 3 8 हो गया। यहाँ पलामू का लातेहार हो गया पूरी तरह से, और पलामू और गढ़वा तो थोड़ा थोड़ा है पार्शली, वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ हो गया 5 3 8 और 1 9 इधर हो गया, और 4 जिला जो है आपका संथाल परगना का, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। तो 13 जिला जो है वो पूरी तरह अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और 3 जो है वो पार्शली। पार्शली में कौन कौन आता है, गोड्डा इधर से, गढ़वा और इधर से पलामू। तो झारखंड में जो है 16 जिले जो है अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, 13 पूरी तरह से और 3 जो है पार्शली। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कितने राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो भारत में 10 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 5वीं एवं 6ठी अनुसूची दोनों तो जनजातियों के लिए, तो दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। तो दोस्तों, हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि जो 6ठी अनुसूची है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पे लागू होती है, और इसको अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जनजाति की जो आबादी है वो 90% से भी ज़्यादा है, और जो अंग्रेज हैं उन्होंने जनजातियों के प्रति दो टाइप की नीति अपनाई। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल हैं उनका उन्होंने विकास ही नहीं किया, उनको आइसोलेटेड रखा, ना वहाँ रेलवे का डेवलपमेंट किया, ना रोड का, ना स्कूल का, ना कॉलेजेस का, ना हॉस्पिटल का। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पीपल हैं वो कंपेटिवली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रहे, इसलिए उनके स्पेशल विकास के लिए एक अलग सी अनुसूची उनको डेडिकेट की गई, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में और भी प्रावधान है जो कि 5वीं अनुसूची से अलग है। जैसे 5वीं अनुसूची में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन होता है, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है वहां पे गठन होता है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल का। साथ ही साथ जो 6ठी अनुसूची है
इसको हम जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया के नाम से जानते हैं, और जो पांचवी अनुसूची है उसको हम अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स पसंद आए होंगे। हम आगे की वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।